हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, ये है होम थिएटर जेब्रोनिक कंपनी का। तो इसका हम करने वाले हैं आज एक शॉर्ट रिव्यू, तो इसको हम कर लेते हैं। चलिए जल्दी से अनबॉक्सिंग, जो कि देख रहे हैं इसका साइज़ जो कि बहुत बड़ा है, और मैंने सोचा नहीं था कि तो ये इतना बड़ा आएगा। बहुत ही सरप्राइजली मतलब देखने को मिला है मेरे को, और घर वाले देख के चौंक गए थे, इतना बड़ा मतलब बॉक्स आया। तो ये खुलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, पता नहीं किस तरीके का पैकिंग है, ये खुल ही नहीं रहा था हम लोग से। इसका अगर मॉडल नंबर अगर जानना चाहें तो ऊपर दिया हुआ है जेब्रोनिक जैक बार 9400 प्रो। ये डॉल्बी सपोर्ट करता है, जो कि इको सिस्टम पे चलेगा बहुत ही अच्छी तरीके से। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से काम करता है, कौन से कितने वॉट पे सपोर्ट है, इसमें आपको क्या क्या देखने मिलता है, जस्ट चेकआउट। और ये जो दिख रहा है आपको, इसको हमें तोड़ना पड़ा, ये निकल ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा हार्ड था, इसलिए इसको तोड़े, उसके बाद ये निकला है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसको ऊपर खींच रहे हैं, ये उसके बाद भी इजी नहीं निकला, बहुत अच्छी तरीके से पैकिंग किया हुआ था जेब्रोनिक ने। और इसका जो क्वालिटी है बहुत अच्छा है, केबल का, रिमोट का, मतलब देखने में लग रहा है प्रीमियम है बहुत ज़्यादा। और जैसा कि इसका पैकेजिंग है, ये आया है उसके हिसाब से, इसमें किसी भी प्रकार के डैमेज देखने नहीं मिल रहा है, और किसी भी प्रकार का मतलब कोई भी दिक्कत देखने नहीं मिला। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसमें क्या क्या है, और इसका क्वालिटी भी हम देखेंगे कि किस तरीके से ये है। और अगर इसका हम लेंथ का बात करें तो लेंथ इसका सभी का थोड़ा छोटा छोटा है, बट इसका जो सबटाइटल दिया हुआ है छोटा छोटा, दो मेन स्पीकर जिसको बोला जाए, तो उसका लेंथ है लगभग 5 to 6 मीटर, शायद 6 मीटर है। और बाकी इसमें अगर केबल देखा जाए तो ARC का केबल दिया हुआ है, जो कि टीवी के साथ कनेक्ट होगा। और ये हम जो देख रहे हैं ये साउंड बार, ये इसका केबल उतना लंबा नहीं है, बाकी काम चल जाएगा, मतलब हम इसको माउंट कर सकते हैं दीवार पे और उसको नीचे भी रख सकते हैं। लगभग लगभग 4 से 5 फीट के आसपास दिया हुआ है इसका लेंथ, जो कि ठीक ठाक है, कोई बुरा नहीं है। और एक अच्छी बात यह है कि इसमें आप अपने को सभी केबल पे कलर देखने मिल जाएगा, तो इसको फिटिंग करने के टाइम या लगाने के टाइम कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जस्ट क्लिक बस करना है और इसको लगाते जाना है, जो कि ये बहुत ईजी टू यूज़ है, ये अच्छी बात है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये सामने दो छोटा छोटा सब, इसको रियल स्पीकर भी बोला जाता है और स्टील लाइट भी बोला जाता है। और इसमें जो दिया हुआ है एक ARC केबल दिया हुआ है, जो कि टीवी के साथ कनेक्ट होता है, जो कि बहुत अच्छा है ये, और इसको मैं अभी यूज़ भी कर रहा हूँ। और इसमें आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे ये कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए है। तो इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो 45 हर्ट्ज़ से मैक्सिमम 2000 हर्ट्ज़ तक के पहुंच जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। और ये कुछ फाइल सपोर्ट करता है, जो कि USB इसका है, 32 GB सपोर्ट करता है, और ब्लूटूथ भी दिया हुआ है इसमें, ब्लूटूथ 5.0 वर्ज़न, जो कि काफ़ी अच्छे डिस्टेंस तक के ये कवर कर लेता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। मोबाइल अगर किसी भी रूम पे रहे ये सपोर्ट करता है। और इसका अगर वेट का अगर बात करें तो सब बुफर का इसका वेट है 5.1 kg, और साउंड बार का अगर केजी अपन देखे तो 1.6 kg सब, और स्टील लाइट का अगर केजी देखे तो 500 ग्राम का है, जो कि दोनों अगर किया जाए तो 1 kg टोटल, अगर इसका देखा जाए तो 7.7 kg का आसपास इसका रन करता है। तो ये डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट करता है, जो कि बहुत इको की तरह साउंड करता है। अगर इसको फुल आवाज़ पे अगर अपन साउंड करते हैं चलाते हैं तो ये बहुत दूर तक की आवाज़ जाता है। तो जिसमें इसमें वार्ड अगर आप देख सकते हैं तो इसका सब बुफर का वार्ड है, 150 वार्ड सपोर्ट करता है, जो कि बहुत काफ़ी लाउड है। और साउंड बार इसका अगर 225 वाट का है, जो कि बेस प्रोवाइड करता है, या फिर बेस को अगर
कम ज़्यादा जो करना है, इसका बहुत सारा सेटिंग भी दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छा लगा मेरे को ये सब चीज़ देख के। और स्टील लाइट का अगर इसका देखा जाए तो 75 वॉट का है जो कि दोनों दिया हुआ है, और इसको हम माउंट भी कर सकते हैं दीवार पे लेफ्ट और राइट करके। तो इससे क्या है, इको की तरह आवाज़ आएगा, मूवी या फिर साउंड या किसी भी प्रकार का अगर म्यूज़िक इंजॉय करना है तो उसमें बहुत अच्छा काम आता है। टोटल ये 5 to 5 वॉट का है, 225 वॉट का, जो कि काफ़ी लाउड है। और 5.1 चैनल, ये 2.1 चैनल नहीं है क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे प्राइस पे मेरे को मिला हुआ है ऑफ़र के नाम से। रिमोट आप देख सकते हैं इसमें, रिमोट में भी 2023 में अपडेट हुआ है। इसमें पुराना रिमोट आता था बहुत ही बहुत चीप क्वालिटी का था, इसमें अपने को सेल देखने नहीं मिलता। बाकी ठीक है, इसका रिमोट काफ़ी अच्छा लगा, यूनिक लगा मेरे को ये। और इसमें अपने को देख सकते हैं, इसमें अपने को जो दिया हुआ है डिस्प्ले पे, ये अपने को वॉल माउंटेड भी दिया हुआ है, यूज़र मैनुअल भी दिया हुआ है, और एक केबल दिया हुआ है, रिमोट दिया हुआ है, और स्टेप लाइट दो दिया हुआ है, सब बूफर एक दिया हुआ है, और साउंड बार एक दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ हमें प्रोवाइड हुई हुई है जेब्रोनिक्स की ओर से, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मेरे को इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। और ये अपना ऑक्स केबल है जो कि दो लीड वायर के साथ दिया जाता है, जो कि अच्छी क्वालिटी है बट थोड़ी छोटी है, इसको थोड़ा बड़ा देना चाहिए था। आप इसको आफ्टर मार्केट भी जाके ले सकते हैं। और इसमें एलईडी डिस्प्ले एक छोटा सा बस दिया हुआ है, इसमें आपको बेस पे दिया जाता है। और इसमें अपने को 4 बटन भी देखने मिलते हैं, जो कि एक आवाज़ कम के लिए, एक ज़्यादा के लिए है, और एक चेंज करने के लिए है जो मोड के लिए रहता है, और एक पावर ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है, जो कि अच्छी बात है। जो रिमोट अगर ना भी हो तो हम उससे यूज़ कर सकते हैं सभी चीज़ें। और अगर अगर इसका प्राइस का अगर बात किया जाए तो अभी जो चल रहा है रनिंग पे, जो 15,999 का प्राइस है, जो कि अच्छा है, और मैं इसको लिया हूँ 9,999 पे। चलिए, इसका थोड़ा सा आवाज़ आप इंजॉय कर लीजिए। कोशिश करिएगा कि इसका जो आवाज़ है एक बार ईयरफोन लगा के सुनने की कोशिश करिएगा, जो कि इसका बेस है, आपको उसे उसी चीज़ में समझ आ सकता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? और ये आप डिस्प्ले पे देख सकते हो, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं सब चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट कैमरा इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स।